एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो इसके साथ हम 1 × ले लें और बाय पार्ट्स लगाएं, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और 1 हमारा सेकंड फंक्शन होगा। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट को बाहर किया इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये अप्लाई करते हैं, इसको आई मान लेते हैं। तो I इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू 1 डी एक्स। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। अप्लाई करते हैं, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर हमने बाहर लिया इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स डी एक्स। क्लियर? अब 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें तो 2 साइन इनवर्स x आएगा, d बाय डी एक्स, फिर हम साइन इनवर्स x लिखेंगे और x 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा dx। क्लियर? तो यहां तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। अब देखो इसे इंटीग्रेट कैसे करना है, आगे बात करते हैं। तो यहां अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को टी पुट कर दूं तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अच्छा, साइन वर्स एक्स टी है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन टी। ठीक है, यहां पुट कर देते हैं, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो x की जगह हमारा आ जाएगा साइन टी, साइन इनवर्स x को हमने t रखा है और dx एक्स अपॉन अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर हमें यहां बाय पार्ट्स लगाने बैठूंगा, ठीक है, तो काफी लंबी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तुम साइन वर्स इसको फर्स्ट फंक्शन और एक्स अपॉन अंडर वन माइनस इसको सेकंड फंक्शन लोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे, लेंथी जाएगा। मैंने इसलिए इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, मैंने नीचे का अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हटाई दिया। ठीक है, वो टेंशन ही खत्म कर दी। अब हमारे पास आइलेट रूल के हिसाब से, आइलेट रूल अगर हम लगाएं तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा सेकेंड फंक्शन होगा और एल्जेब्रिक हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा। तो एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, फिर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर बाय पार्ट्स का। ठीक है, ब्रैकेट लगाते हैं जिससे बाहर जब भी ब्रैकेट खुलेगा साइन चेंज करने मुझे याद रहेगा, बाहर माइनस साइन है इसलिए। तो 2t हमने बाहर लिया, सॉरी, हाँ 2t हमने बाहर लिया साइन टी डी टी माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी टी ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी होल डी टी और ये पूरा ब्रैकेट। ठीक है, तो हमारे पास आया साइन टी का हो जाएगा माइनस कॉस टी, यहां भी माइनस कॉस टी और टी का क्या हो जाएगा 1। तो लगाते हैं, देखो तो आई इज इक्वल्स टू एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2t और साइन टी का हो गया माइनस कॉस टी माइनस इंटीग्रेशन डी बाय डी टी ऑफ टी। देखो यहां हम वापस इसको एक बार देख लेते हैं, डी बाय डी टी ऑफ टी हमारा क्या होगा 1 और साइन टी का माइनस कॉस टी, तो ये 1 और ये माइनस कॉस टी डी टी। ठीक है, होल ब्रैकेट। तो एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी यहां मिस्टेक हो गई, एक्स बाहर आएगा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है सिर्फ। तो एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट खोलें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2t cos t, और यहां cos t का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो sin t आएगा, माइनस माइनस ये हो गया प्लस। ठीक है, और बाहर माइनस लगाया तो फिर माइनस आ जाएगा, तो मैंने अभी एक स्टेप और बढ़ा दी, cos t का इंटीग्रेशन अभी नहीं किया, सिर्फ साइन चेंज की है। x sin इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2t cos t माइनस sin t प्लस c, ये हमारा, ठीक है, sin t प्लस c आ गया। इसके बाद हमें t को वापस x में सब्स्टिट्यूट करना है, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, हमने साइन इनवर्स एक्स को लिया था टी, तो एक्स हमारा था साइन टी। ठीक है,
तो टी की जगह मैं रख लेता हूँ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अगर साइन टी एक्स है तो कॉस टी हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर टी विच इज अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर और साइन टी की वैल्यू एक्स है प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर।